हुआ बाबू का? क्या हुआ? कौन मार रहा है? अपना बाल, इसमें बाल्टी में गोबर भरे हैं, ये पोतन है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निंदु ब्लॉग। आई भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग, मेरे बेबी की तरफ से भी गुड मॉर्निंग, क्योंकि मेरा बेबी अभी फिर उठ के सो गया है, फिट करके तो अभी सो गया। तो हम सोचे जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लें, क्योंकि सुबह का टाइम है, तो घर में पोता पोती होता है, तो पोता पोती हम लोग करेंगे। ये वाला दादाजी का रूम है, कोठा घर, कोठा वाला घर, बहुत आराम का नींद होता है, तो वही है। तो इसमें हम पोता पोती करेंगे, उसके बाद फिर बेबी हो सके जल्दी उठ जाए, तो जल्दी हम बोले जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं ये रूम कैसा है, इस रूम में हम कैसे पोता पोती करेंगे। ये दादाजी का रूम है कुछ ऐसा। तो इसमें हम झाड़ू लगा रहे हैं, अभी झाड़ू लगा के फिर इसको गोबर से निपेंगे। और इधर अभी हम चावल के लिए चढ़ा दिए हैं इंडक्शन में, और फिर चूल्हा जलाएगी जो मेरे नमिता है ना, ननंद, वो आएगी तो फिर चूल्हा जलाएगी, फिर बाबू के लिए भी आग जलाएगी जो बाबू को भी सेक देंगे। तो जल्दी जल्दी से हम झाड़ू लगा लेते हैं, फिर इसको हम गोबर से नीपेंगे, गोबर लाने के लिए बोलेंगे, उसके बाद फिर इसको नीपेंगे गोबर से। तो चलिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए आप। सो गाइस, झाड़ू उड़ू हम लगा चुके हैं, देख सकते हैं। अब इसको मैंने मतलब चावल बैठ देंगे, क्योंकि अधन जो बोलते हैं अधन हो चुका है, तो अब चावल मेरा आएंगे और उसके बाद फिर गोबर से हम नीपेंगे। वो को अभी हम मालिश कर रहे हैं, तेल मालिश, और वहाँ पर चावल हम मेरा दिए हैं। अभी चावल हो जाएगा, हम लोग का भात बन जाएगा। अब चूल्हा जलाएं कोयला वाला, कि उसमें सब्जी बनाएंगे। और बाबू को देखिए, हम आग जला के मालिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ये सब थोड़ा सा सेक देंगे ताकि खटेगा नहीं। बोलता है कि सेकने से खटता नहीं है, पैर हाथ सब अगाल सब। तो अभी बाबू को हम सेक लगा रहे हैं और तेल मालिश करेंगे। और बाबू मेरा सोया हुआ है, देखिए। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग मम्मी के तरफ से भी, मेरे तरफ से भी, हम दोनों के तरफ से गुड मॉर्निंग। पापा के तरफ से भी बोल दो गुड मॉर्निंग। नहीं उठेगा, बजरंग बली जैसा मुंह कर लिया। सबको बोल रहा था इसको हाँ। मंगलवार को पैदा हुआ तो मंगरा होगा, दादाजी बोल रहा था हाँ। वैसा ही देखिए बजरंग जी, बजरंग बली। चलो सबको बोलो जय बजरंग बली की जय। हैप्पी दीपावली बोल दो सबको। देखिए बजरंग बली जैसा ही मुंह को फेस कर रहा है बाबू, ऐसे गजब, मतलब इसका कभी ऐसे करेगा, कभी फू कर देगा, अलग अलग रिएक्शन आता है। सो गाइस, मेरे तरफ से भी सबको गुड मॉर्निंग। हम कैमरामैन इधर है, तो चलिए ये डेली ब्लॉग कोशिश कर रही है बनाने का, बस आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि धनबाद से आने के बाद थोड़ा सा क्या है कि लाइफ और ज़्यादा बिजी हो गया, और मेरा तो इतना ज़्यादा मतलब बुकिंग वुकिंग आ रहा है, इधर उधर बिजी ज़्यादा रहता है। तो हम तो अपना कार का ब्लॉग बनाते हैं अधिकतर, आप लोग को मालूम है। तो पता नहीं आगे आगे क्या करने वाले हैं तुम। आगे अभी इसको गोबर से नीपेंगे, घर को नीपेंगे। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में। तो गाइस अभी गोबर से नीप रहे हैं घर को, देख सकते हैं। इसमें बाल्टी में गोबर भरे हैं, ये पोतन है, इससे नीपा जाता है। तो देखिए मेरा घर कैसा निकला है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे निकलना चाहिए। दिखाइए अंदर, दिखाइए कैसे हम नीपे, और बताइएगा कमेंट करके कैसे मेरा घर पोता हुआ हुआ, नहीं नीपा हुआ, पूरा निप दिए, चकचका रहा है अब घर। अब जहाँ पे हम लोग रहते हैं उस घर को भी पोछा लगाएंगे, वो घर भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। इस रूम में भी हम पोछा लगा लिए हैं, देखिए इस रूम में हम लोग अभी रहते हैं फिलहाल। उसके बाद बेबी देखिए उधर सोया हुआ है, इसको धूप में सुला दिए क्योंकि रूम में पोछा लगा है, तो धूप में इसको सुला दिए। देखिए सोया हुआ है बाबू, इसको आधा धूप मतलब आधा मतलब मुंह में इसको छांव कर दिए हैं, बाकी पेट तरफ पेट में सब तरफ धूप लग रहा है इसको, और धूप में सुला दिए हैं। इसके सामने फिर कोई रहेगा, उसके बाद हम जाएंगे फिर नहाने के लिए। तो भाई देख सकते हैं बेबी सो के उठ चुका है और खेल रहा है बाबू, ये बाबू पूरा खेलता है धूप में, इसको सुलाए ना इसलिए फुर्ती लग रहा है इसका शरीर में, तो पूरा खेल रहा है पूरा पूरा पूरा। तो इसको खिलाते हैं फिर हम जाएंगे नहाने के लिए। बाबू तुम खेलो पापा के साथ, पापा भी आएंगे इसका। सो गाइस बेबी रो रहा था तो दादाजी खिला रहे थे, अभी दादाजी जाएंगे बकरी का पाल लाने के लिए। तो
तो बेबी को पापा लेके रखेंगे, हम तो जाएंगे खींचने के लिए बाबू का। तो कहते अभी यही होता कि प्रॉब्लम हम लोग का, अगर धनबाद में रहते तो मतलब यहाँ कोई जब रोता है तो कोई ना कोई इसको मतलब इसको खिलाता ही है। अभी जैसे कि दादाजी जा रहे हैं बकरी बकरी का पाला लाने के लिए, अब यहाँ सोया हुआ था, रो रहा था, गए थे उधर खाना वाना बनाने, तो रो रहा था, कोई ना कोई खिलाते रहता है। और धनबाद में ये चीज़ नहीं रहता, ये ड्यूटी चल रहा है 8 घंटा, तो हम अकेले कैसे करते हैं, क्योंकि गाड़ी का भी कार बुकिंग आ जाता है, फिर उसको छोड़ के जाना पड़ता है, इसीलिए गांव आने का हम लोग का रीज़न है। चलिए अब इसको घुमाते हैं, आप रखिए, हम जा रहे हैं खींचने के लिए, तो खींच के फिर हम आते हैं, फिर बाबू को देखेंगे। बाय कर दो अभी, ले ले मुर्गी, ले मुर्गी, ले डर जाएगा, डर रहा हो बाबू, डर रहा है तो रखिएगा। सुला दिए, सो के भी रहता है, इधर से दिखाते हैं कैसे कर रहा है। आए बाबू, क्या हुआ बाबू का, क्या हुआ, कौन मार रहा है? अपना बाल नोच रहा है, देखिए पकड़ा है अपने बाल। चलो ठीक है, जा जा रखते, जल्दी जा, ठीक है, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। सो गाइस, हम नहा धो लिए हैं, इधर देखिए मेरे बाबू को देखिए, ये अब सोने के लिए तंग कर रहा है मुझे कि मेरे साथ सो। हाँ 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 बेटा सोएंगे, हाँ सोएंगे, तो इससे को लेके सोना पड़ता है, तब जाके ही सोएगा, थोड़ा देर में तो नहीं सोएगा, बदमाशी करने लगा। इसका पापा बोले जाओ तुम इसको सुला पहले, तो चलते हैं इसको सुलाते हैं, और हो सके हम लोग रील्स बनाएंगे बाड़ी तरफ, तो इसको पहले सुला लेते हैं, उसके बाद तो मेरे ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहे। सो गाइस, रेडी हो चुके हैं पूरा, और इधर बाबू भी रेडी हो चुका है, बेबी को पापा भी रेडी हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं रील्स बनाने के लिए। किधर जाइएगा? जाएंगे बाड़ी तरफ, अपना पीछे उधर एक इधर भी लोकेशन है, पहले इधर जाते हैं उसके बाद उधर जाएंगे, तो चलो इधर वाला लोकेशन में, और साथ में कैमरा मैन आ गया पंचू भाई, इसके पास टाइम नहीं मिल रहा अभी, दीपावली में पूरा बाहर भीतर खेलता है। हाय करो, चलिए भाग रही है पंचू, हाय करो। तो चलिए चलते हैं हम लोग इधर का रास्ता में, मतलब व्यू कुछ देखते हैं लोकेशन कैसा है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग लोकेशन में आ चुके हैं, तो ये हमारा लोकेशन रहा, देख सकते हो इधर पूरा आलू का बारी हम लोग का इधर भी, और कुआं है, तो ये जगह में अभी हम लोग एक रील शूट करने वाले हैं। एक्चुअली है कि हम लोग का मतलब ज़्यादा बेबी वाला गाना सोच रहे थे, बट वो गाना मैं आज दिन भर में 3-4 बना लिए हैं, तो ऐसे सिंपल एक दो सॉन्ग देखते हैं खट्टा में बनाना है, खट्टा नागपुरी हिंदी ये सारे सॉन्ग हमारा मतलब चॉइस रहता है, तो देखते हैं अभी सॉन्ग मतलब चॉइस कर रहा है पंचू, उसके बाद बनाते हैं, आप लोग ब्लॉग पर बने रहो। फाइनली अभी क्या हुआ है, सारा हम लोग रील्स से बना लिए, हिंदी खट्टा और नागपुरी में हम लोग का रील्स था, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग मेहनत किए हैं, और आप लोग ज़्यादा ज़्यादा हम लोग का सपोर्ट करो। हम लोग का इंस्टाग्राम आईडी क्या बता दो? मेरा है आईडी डिका मातो, इनका है सुमित झारखंड, तो जो जो नहीं फॉलो किए हैं फॉलो कर लीजिएगा, और इधर है पंचू, पंचू का भी आईडी है दीवाना पंचू, उसका भी आईडी फॉलो कर लीजिएगा। तो आई होप चलिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो बाय सबको।